नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नीति के दोहे इन दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके रचयिता है रहीम जी। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम रहीम जी के जीवन के बारे में और उनके साहित्य सर्जन के बारे में बात करेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और उनके पिता का नाम बेरमरबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। तो उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, उनके पिता का नाम था बेरमरबा, और वह जो अकबर थे उनके वह अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। यानी जो अकबर थे उन अकबर के नवरत्नों में से एक थे रहीम जी, और रहीम जी की जो कार्यक्षमता थी, बुद्धिक्षमता थी, बुद्धिमत्ता थी, राजनीतिक बातों की जो जानकारी थी, इन्हीं गुणों की वजह से अकबर ने उन्हें अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद दिया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे, यानी इन सारी भाषाओं का वहाँ बहुत अच्छी तरह से जानकार थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्य में व्यक्त किया है। यानी जीवन के अंदर जो भी बातें बनती हैं, जो अनुभव उन्हें हुए हैं, उन अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्य में व्यक्त किया है। अब इन जो दोहों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इन दोहों में क्या गुण रखा हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है, पांचवे दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धीरे का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए इस बात पर बात को उत्कृष्ट किया है। इन दोहों के अंदर कौन सा सार रखा हुआ है, इन बात को इन्होंने यहाँ पर सारांश में बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए आज हम इन दोहों को पंक्ति के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले दोहे के अंदर बताया कि तरुवर फल खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पी ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचि ही सुजान। यानी यहाँ पर बताया कि तरुवर यानी जो रुक्ष होता है वह कभी भी अपना फल नहीं खाता है, उसी तरह जो सरवर होता है वह भी अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचि ही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि जो पर काज यानी दूसरों के हित के लिए संपत्ति सुचि ही सुचि यानी संग्रह, सुजन यानी सज्जन पुरुष, यानी यहाँ पर रहीम जी कहते कि जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का संग्रह करता है वह सुजन यानी कि सज्जन पुरुष कहलाता है। उन्होंने बताया है कि जो तरुवर है यानी वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, सरोवर भी कभी अपना जल पानी नहीं पीता है। रहीम जी इस उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि जो परकाज यानी दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संग्रह करता है वह सज्जन पुरुष कहलाता है। यह बात पहले दोहे में बताई है, यानी परहित की भावना यहाँ पर प्रकट होती है। दूसरे दोहे को समझेंगे। दूसरे दोहे के अंदर जो सही संबंध है और रीत है, जो सच्चा प्यार है, उसके बारे में जानकारी दी है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, अगर आपके पास में संपत्ति है, धन दौलत है, तो आपके जो मित्र है वह बनहु बहुत रीत, किसी भी प्रकार से आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, सगे संबंधी बन जाएंगे। अगर आपके पास में संपत्ति है, धन दौलत है, तो आपके जो रिश्तेदार है किसी भी तरह अपना संबंध आपके साथ में जोड़ लेंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित, लेकिन जो विपत्ति अगर आपके पास आपके ऊपर विपत्ति है, विपदा है, उस समय
जो अगर आपका साथ देते हैं ते ही साचे मित्र वहीं आपके साचे यानी सच्चे मित्र है। प्रेम जी कहते हैं कि अगर आपके पास में सगे सब अगर आपके पास में संपत्ति है तो आपके बहुत तरीके से सगे संबंधी रिश्तेदार बन जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई विपदा है तो उसी समय जो आपके सच्चे मित्र है उसकी कसौटी की पहचान होती है। अगर आपके ऊपर कोई विपदा है, आफत है, उस समय अगर आपकी कोई मदद करता है तो वही आपके लिए सच्चे मित्र है। तीसरा दोहा देखेंगे। तीसरे दोहे में जो छोटी चीज है उसका महत्व बताया गया है। कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे दरबारी। ये प्रेम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटो न दीजिए डारी, यानी कोई बड़ा व्यक्ति है कोई उसको देखकर छोटे व्यक्ति को डारी यानी कि छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो उसको देखकर आपने अपने छोटे व्यक्ति का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। इसी उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताया कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, यानी जहाँ पर सुई का काम है वहाँ आप तलवार से काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो आपके पास का जो पोशाक है, कपड़े हैं, शर्ट है, यानी कोई भी अगर आपका शर्ट फट जाता है, कपड़े फट जाता है, तो उसकी सिलाई आप किससे करोगे? सुई से करोगे। वहाँ पर आप तलवार से अपने कपड़े सी नहीं सकते हो, सिलाई नहीं कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बड़े को देखकर छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहीं अगर तलवार का इस्तेमाल करोगे तो आपका काम बन पाएगा नहीं, यानी बड़ा छोटा व्यक्ति भी कभी भी आपको काम आ सकता है। यही बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। जो चौथा दोहा है उसमें बताया है कि सही दीनबंधु कौन होता है, उसके बारे में बताया है कि आगे देखते हैं। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होय। दिन यानी कि गरीब सबकी ओर देखता है, गरीब सबकी ओर आशा भरी निगाहों से देखता है, लेकिन दिन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब की ओर कोई देखता नहीं है। जो रहीम दिन ही लखे, यानी रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब की ओर देखता है दिन बंधु सम होय, वहीं उसके लिए भगवान के समान है। यहाँ पर पहले बताएं कि दिन सबन को लखत है, जो गरीब व्यक्ति है वो सबकी ओर आशा भरी निगाह से देखता है, लेकिन गरीब की ओर कोई देखता नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेम जी ने कहा है कि जो गरीब की ओर देखता है वही उसके लिए दिन बंधु सच्चा मित्र और एक भगवान के समान व्यक्ति है। पांचवा दोहा देखेंगे। पांचवे दोहे के अंदर जो कड़वी बातें बोलने वाला व्यक्ति है उसकी स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है कि खीरा को मुँह काटी के मलियतन नॉन लगाए, रही मन करुए मुखन की चाहिए ही सजाए। खीरा यानी कि छोटी ककड़ी की यहाँ पर बात की है। जैसे हम छोटी ककड़ी को काटते हैं और मलियत यानी मलते हैं क्या, नॉन यानी कि नमक, जो ककड़ी होती है छोटी जिसे हम खीरा भी कहते हैं, उस ककड़ी को मुँह काट के उसके अंदर हम नमक लगाते हैं, रही मन करुए मुखन की चाहिए ही दिशा सजाए। यही बात को ध्यान में रखते हुए रहीम जी ने कहा है कि जो कड़वे मुख वाला है यानी जो कड़वे वचन बोलता है, कड़वी बातें कहता है, चाहिए ही सजाए, उसकी भी यही सजा देनी चाहिए, यानी उसका भी मुंह फाड़ कर चीर कर उसके मुंह के अंदर नमक लगा देना चाहिए। कहते हैं कि जैसे खीरा यानी छोटी ककड़ी का मुँह काट के हम उसके अंदर नमक लगाते हैं, उसी तरह जो कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति है उसको भी यही सजा देनी चाहिए। ये बात इसमें कही है। आगे का दोहा, जिस दोहे के जो छठवां दोहा है उसके अंदर जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है उसके बारे में, उत्तम जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में जानकारी बताई है। कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का है, जो अच्छे स्वभाव का है, उत्तम स्वभाव का है, का करी सकत कुसंग यानी उसके साथ में अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति भी रहता है तो उसका कुछ बिगाड़ पाता नहीं है। रेम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है अगर उसके साथ में कोई कुछ संगत भी आ जाए, बुरा व्यक्ति भी आ जाए, तो उसके ऊपर उसका कोई असर हो सकता नहीं है, उसका कोई बिगाड़ पाता नहीं है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जिस तरह से चंदन के जो वृक्ष होते हैं, चंदन से जो भुजंग यानी कि सांप लिपटा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी जो चंदन है वह चंदन ही रहता है, उसमें जहर आता नहीं है, विष आता नहीं है। प्रेम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का है
उत्तम स्वभाव वाला है, उस व्यक्ति के साथ में अगर कोई संगत व्यक्ति भी आ जाए तो उसका कोई बिगाड़ पाता नहीं, क्योंकि वह अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। उसी तरह चंदन के वृक्ष के साथ में अगर सांप भी लिपटा रहे तो चंदन को कुछ उसका असर होता नहीं है, चंदन चंदन ही रहता है, चंदन के ऊपर जो सांप है उसके विष का असर होता नहीं है। यही बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। सातवां जो दोहा है उस दोहे में बताया कि बिगड़ी हुई बात को छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ के रखना नहीं चाहिए। कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाग करो किन कोय, रेमन बिगड़ दूध को मथे न माखन होए। कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, अगर एक बार कोई भी बात बिगड़ जाती है तो बनती नहीं है, लाग करो किन, कितने भी कोशिश कर लो, चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन अगर एक बार बात बिगड़ गई तो उसको आप बना पाओगे नहीं। रेमन इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रेमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए, जिस तरह से अगर बिगड़ा हुआ दूध यानी फटा हुआ दूध होता है उसको आप जमाने की कोशिश करोगे तो मथे न माखन होए, आप उसके अंदर से अगर माखन बनाने की कोशिश करोगे तो वो माखन बन नहीं पाएगा, आपका जो प्रयास है व्यर्थ जाएगा। यहाँ पर इंडिकेट है कि अगर एक बार बात बिगड़ गई तो लाख प्रयत्न करोगे फिर भी उसको आप सुधार पाओगे नहीं, ठीक कर पाओगे नहीं। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर एक बार दूध फट गया तो आप उसके अंदर उसे जमाने की कितनी भी कोशिश करोगे लेकिन फटे हुए दूध से आप माखन बना पाओगे नहीं। आगे का दोहा है जिसके जो आठवां दोहा है उसमें अपना जो धैर्य है, धीरज, उसका महत्व बताया है। रेमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रेम जी कहते हैं कि विपदा बहुत अच्छी है, आपत्ति बहुत अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए होती है, जो आपत्ति है विपदा है वह बहुत अच्छी है और वह थोड़े दिनों के लिए होती है, भले वह थोड़े दिनों के लिए होती है लेकिन उससे हमें पता चलता है क्या क्या और कौन सी चीज़ का हित यानी अच्छा, अनहित यानी बुरा, या जगत में जानी परत सब होए। रेम जी कहते हैं कि जो विपदा है आपत्ति है वह बहुत अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए होती है, लेकिन इस विपदा के समय में कौन हमारा साथ देता है और कौन हमारा साथ छोड़ता है, कोई कौन अच्छा है हमारे लिए और कौन बुरा है, इसकी हमें परख हो जाती है। और आखिर के दोहे में रहीम जी ने बताया है कि किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। रेमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि वह मनुष्य मर चुके हैं जे कहू मांगन जाइए, जिसके दरवाजे के ऊपर आप कुछ मांगने के लिए जाते हैं। रेम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं कि जिसके यहाँ पर आप मांगने के लिए जाते हो, उनसे पहले वे मुए जिन मुखत मुख निकसत नहीं, लेकिन उनके पहले तो वही मर चुके हैं कि जिसके पास में सब कुछ होने के बाद में उसके मुंह से निकलता है नहीं। यानी रहीम जी आखिर के दोहे के अंदर बताते हैं कि वह नर मुझ चुके हैं कि जो किसी के पास में किसी के दरवाजे के ऊपर जाते हैं और कुछ मांगते हैं, लेकिन रहीम जी कहते हैं कि इससे पहले तो वह मर चुके हैं कि जिसके वहाँ मांगने के लिए जाते हैं लेकिन उसके मुंह से नहीं निकलता है। यानी इन नौ दोहों के अंदर रहीम जी ने मनुष्य जीवन में जो सच्चाई है, मनुष्य जीवन के साथ में जो सच्ची बातें जुड़ी है, उन बातों को इन दोहों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।